हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी है चाशनी वाली गुजिया, जिसे हम पिड़किया भी कहते हैं। इसे हम मीठी और क्रंची बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुजिया बनाने के लिए हमें एक कप मैदा चाहिए। उसमें 5 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल से क्रिस्पी बनेगा और उसमें 1 और आधा छोटे चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। पानी डालकर उसे नरम आटा की तरह गूंध लेंगे। जिस तरह से रोटी की आटा होती है, उसी तरह से हम इसे गूंद लेंगे और इसे साइड में थोड़े देर रख देंगे। तब तक हम चाशनी की तैयारी करते हैं। 1 कप चीनी लेंगे और 1/2 कप पानी डालकर हम इसे मीडियम फ्लेम में बॉईल होने देंगे। जब तक ये मीडियम फ्लेम में बन रहा है, तब तक हम दूसरे साइड में एक पैन में घी डालकर खोआ को भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और खोआ तेल तो जल छोड़ेगा, और साथ में जब तक ये ब्राउन होता है, तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और फ्लेम को ऑफ करके इसे चला लेंगे। हमारी चाशनी तैयार हो गई है। बस इसे हल्का सा चिपचिपा और कुछ इस तरह से होना चाहिए। हमारी चाशनी भी रेडी हो गई है। अब मैदा के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। और इस पेड़े को हम रोटी की तरह बेल लेंगे। इसे हमें ज्यादा पतला भी नहीं बेलना है और ना ही ज्यादा मोटा रहेगा। सारे पेड़े को हम एक साथ ही बेल कर रख देंगे, पर ध्यान रहे ये ज्यादा सूखे नहीं। अब मैं यहाँ पर 3 तरह के डिजाइन आपको बताती हूँ। पहली डिजाइन है, बीच में फिलिंग्स को रख देंगे और साइड में पानी लगा देंगे। पानी से ये अच्छे से जुड़े हुए रहेंगे और ये तेल में खुलेंगे भी नहीं। इसे अच्छे से दबा देंगे और इस तरह से हल्का हल्का फोल्ड कर लेंगे। ये एक डिजाइन बन जाएगा। अब दूसरा डिजाइन के लिए सेम बीच में फिलिंग्स को रखेंगे, पानी को साइड में लगा देंगे। पानी ज्यादा ना लगाएं, इसे अच्छे से दबा देंगे साइड साइड से। फॉक की हेल्प से इसे साइड में डिजाइन बना लेंगे और नाइफ से हल्का सा कट कर देंगे। थोड़े थोड़े दूर में इसे कट कर दें, ध्यान से हाथ में कहीं लग ना जाए, और इसे इस तरह का डिजाइन दे देंगे। ये बिल्कुल ही सनफ्लावर की तरह दिखने लगेगा। डिजाइन के लिए वो रोटी को पतले पतले स्ट्राइप्स में काट देंगे। एक और को पतले स्ट्राइप्स में पूरी तरह से काट देंगे। उसके बाद
एक रोटी वाले को पहला, तीसरा, पांचवा, इस तरह से एक एक गैप करके वो स्ट्राइप्स को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे और दूसरे वाले स्ट्राइप्स को लेकर बीच में रख देंगे और फोल्ड किए हुए को सीधा कर देंगे। अब जिसे हमने पहले फोल्ड किया था उसको छोड़कर दूसरे वाले को फोल्ड करेंगे, ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, फिर उसके बीच में एक रखेंगे पतले से स्ट्राइप्स और उसे सीधा कर देंगे, फोल्ड किए हुए को सीधा कर देंगे। इसी तरह से बाकी सब करेंगे। जिसे हमने पहले फोल्ड किया है उसे छोड़कर दूसरे वाले को फोल्ड करेंगे और एक एक गैप छोड़कर हम फोल्ड करते रहेंगे। अब एक रोटी लेंगे, उसमें अच्छे से पानी लगा देंगे और ये जो फोल्ड किया हुआ है उसके ऊपर अच्छे से चिपका देंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब इसके बीच में फिलिंग्स को रखेंगे और साइड में पानी लगाकर दाब देंगे। इसे अच्छे से दाब दे, कहीं ये तेल में ना खुल जाए। अब जो एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल देंगे। फॉक की हेल्प से इसमें भी डिजाइन बना देंगे और ये भी हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब तेल को गर्म करेंगे। तेल गर्म हुआ ये चेक करने के लिए एक छोटी सी आटा की लोई डालेंगे। अगर वो ऊपर आ जाए मतलब तेल गर्म हो गया है। अब हम अपने गुजिया को डाल देंगे और इसे हल्का लाल कर लेंगे और मीडियम फ्लेम में ही रखेंगे। ये जब लाल हो जाए तो इसे चाशनी में डाल देंगे और चाशनी में 5 मिनट तक रखेंगे, फिर निकाल देंगे। हमारा गुजिया रेडी हो गया है। अब इसे निकाल कर प्लेट में सर्व करें और ये देखिए ये क्रिस्पी क्रंची भी है, इसकी आवाज सुनिए। है ना, अंदर तक भी पूरा चाशनी एब्जॉर्ब हो गया है और बाहर में भी बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी लग रहा है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।